जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 19th एंड 20th अगस्त के जो एमसीक्यूज है वो देखने वाले हैं। ये एमसीक्यूज यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, बैंक पीओ के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है स्पार्क इनिशिएटिव के बारे में। अब यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट पहचानना है स्पार्क इनिशिएटिव के बारे में। पहला स्टेटमेंट आता है कि इट इज़ एम्ड एट स्किलिंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फ्रॉम आईआईटीज इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, और दूसरा आता है कि इट वाज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ एंड डिफेंस मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर आपको जो सही स्टेटमेंट है वो पहचानना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर आईआईटीज इन डिफेंस टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मिनिस्ट्री है, मतलब जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। जो स्टार्टअप होते हैं, स्टार्टअप को यहाँ पर लाया जाएगा, उन्हें यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा, जिससे कि इनोवेटर जो होते हैं वो बाहर निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत होता है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये डीआरडीओ ये नहीं आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उन्होंने इनिशिएट किया है, उन्होंने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर दूसरा भी स्टेटमेंट गलत आता है। सही जवाब पूछा है, जवाब रहेगा डी, नाइदर वन नॉर टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्ट फॉर प्रोटोटाइप एंड रिसर्च किक स्टार्ट। अब ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है वो इनवाइट करने वाली है स्टार्टअप्स को और इंडिविजुअल इनोवेटर्स को, ताकि वो कुछ अच्छा यहाँ पर कर सके। और यहाँ पर ग्रांट भी देने की बात हो रही है 1.5 करोड़ अंडर द फ्रेमवर्क। अब अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मैसेज कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है पीस क्लॉज के बारे में। इंटरिम मैकेनिज्म जो है, जिसे हम पीस क्लॉज कहते हैं, ये अवेलेबल है डेवलपिंग नेशंस के लिए। तो ये किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या UNFCC? ये रिलेटेड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे पीस क्लॉज जो है, ये इसमें क्या होता है, इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये है डेवलप्ड कंट्री और ये है डेवलपिंग कंट्री। अब यहाँ पर जो डेवलप कंट्री है, देखिए डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, ये फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर जब फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, जो WTO है उन्होंने कहा था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो 5% जो सब्सिडी है वो दे पाएगी और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो 10% दे पाएगी। लेकिन अगर हम इकोनॉमी देखते हैं तो डेवलप कंट्री की बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये 5% भी है तो ये 5% बहुत ज़्यादा है ये 10% के मुकाबले। इसलिए यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था और उन्होंने ये कहा था कि हमें ज़्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करना है क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है। तो इसलिए एक नतीजे पर पहुँचे, उसे हम कहते हैं पीस क्लॉज। उसके मुताबिक यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्री है वो ज़्यादा भी सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है, और यहाँ पर जो डेवलप कंट्रीज रहेगी वो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के जरिए यहाँ पर चैलेंज नहीं कर सकती है। तो ये है पूरा पीस क्लॉज के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट आता है कि इट इज़ अ कॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन द वेक ऑफ 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसमें ये फॉर्म किया गया था। इंडिया इज अ ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ OAS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। तो यहाँ पर आपको जो सही स्टेटमेंट है वो पहचानना है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये जो फॉर्म किया गया था वो 30 अप्रैल 1948 में फॉर्म किया गया था, इसलिए 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, और सही स्टेटमेंट पूछा गया है, जवाब रहेगा बी, टू ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हो 30 अप्रैल 1948 को ये लाया गया था, और उसी के साथ हेडक्वार्टर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल वॉशिंगटन में है, और इंडिया जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट है। दूसरा क्वेश्चन आता है इनोसेंटी डिक्लेरेशन के बारे में। अब इनोसेंटी डिक्लेरेशन जो है ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये जो है ये एसोसिएटेड है ब्रेस्ट फीडिंग से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यहाँ पर August 1st से लेकर 7th तक था, सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, ताकि इनकरेज किया जा सके ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, क्योंकि ये जो होता है, ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उनकी हेल्थ के लिए। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया गया था August 1990 में गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, किस लिए? टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है कैबोटेज के बारे में।
अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आता है कि इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज करने की बात होती है फॉर मूवमेंट ऑफ डोमेस्टिक कार्गो, जो डोमेस्टिक कार्गोज होते हैं बाय फॉरेन फ्लैग वेसल्स। और दूसरा आता है कि द पॉलिसी ऑफ कैबोटेज रिस्ट्रिक्शन इज गवर्न्ड एज पर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। अब यहाँ पर आपको जो सही स्टेटमेंट है वो पहचानना है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसका जवाब रहेगा सी, 1 और 2। तो यहाँ पर आप पूरी जो इन्फॉर्मेशन है सब कुछ देख सकते हो, क्योंकि हमने जो दोनों स्टेटमेंट देखे दोनों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये आप खुद पढ़ सकते हो, काफ़ी सिंपल है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर ये क्या है? अ कार्निवोरस मरीन ऑर्गेनिज्म विद वेनोमस टेंटेकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, हाई स्पीड ट्रेवल टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर आपको जो सही स्टेटमेंट है वो पहचानना है ये किससे रिलेटेड है। तो ये है एक कार्निवोरस मरीन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर अगर आप फोटो भी देख सकते हो, ये है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, ये एक जेली लाइक मरीन ऑर्गेनिज्म है। इसे ब्लू बॉटल भी कहा जाता है और उसी के साथ फ्लोटिंग टेरर भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो पूछा गया है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में, UPI के बारे में पूछा गया है। इट इज़ अ सिस्टम दैट पास मल्टीपल बैंक अकाउंट इनटू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन होता है, उसके जरिए जो मल्टीपल बैंक अकाउंट है वो आप लिंक कर सकते हो। इट इज़ बिल्ट ओवर IMPS इंफ्रास्ट्रक्चर, IMPS जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बिल्ड किया गया है। और इट यूजेस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसमें लाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है, और तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आप देख सकते हो UPI जो है ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जो डेवलप किया गया है NPCI के द्वारा, NRBI रेगुलेटेड एंटिटी। अब यहाँ पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है ये सिस्टम है जो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में लाता है, और उसी के साथ सेवरल बैंकिंग फीचर्स जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सीमलेस फंड रूटीन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, मर्चेंट पेमेंट हमें देखने को मिलता है, और सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कजाकिस्तान के बारे में। अब कजाकिस्तान के बारे में यहाँ पर पूछा गया है तो कौन सी कंट्रीज बॉर्डर नहीं करती है ये पूछा गया है, रशिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो हम चलते हैं मैप की तरफ। यहाँ पर आप मैप देख सकते हो कजाकिस्तान का, ये सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ पर आप कैस्पियन सी देख सकते हो। अब कैस्पियन सी यहाँ पर आपको वाटर बॉडी तो दिख रही है, लेकिन कैस्पियन सी जो है वो अपने आप में लैंडलॉक्ड है, इसलिए हम कजाकिस्तान को भी लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। अब कजाकिस्तान को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है, तो यहाँ पर आप उज्बेकिस्तान देख सकते हो, तुर्कमेनिस्तान भी यहाँ पर बॉर्डर करती है, और उसी के साथ किर्गिस्तान भी यहाँ पर बॉर्डर करती है, रशिया भी यहाँ पर बॉर्डर करती है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ताजिकिस्तान, तो ताजिकिस्तान यहाँ पर जो कजाकिस्तान है उसे बॉर्डर नहीं करती है। तो इसका जवाब रहेगा वो रहेगा सी, ताजिकिस्तान, क्योंकि पूछा गया है डू नॉट बॉर्डर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ रहा है आर्टिकल 35A के बारे में। आर्टिकल 35A ये ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ टेस्टिमोनी ऑफ द स्पेशल कंसिडरेशन, स्पेशल कंसिडरेशन के द्वारा ऐड किया गया था। द इंडियन गवर्नमेंट अकॉर्डेड टू द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और दूसरा स्टेटमेंट आता है कि आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पररी प्रोविजन है जो स्पेशल ऑटोनॉमी स्टेटस जो है जम्मू एंड कश्मीर को ग्रांट करता है। सही स्टेटमेंट पूछा गया है, पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है। जवाब रहेगा सी, बोथ 1 और 2। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल 35A जो है ये इनकॉर्पोरेटेड किया गया था हमारे संविधान में, जिसने जो जम्मू एंड कश्मीर के जो परमानेंट रेसिडेंट है उन्हें कुछ स्पेशल राइट्स यहाँ पर दिए हैं। अब आर्टिकल 35A के बारे में मैंने पूरा डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वो ज़रूर देखिए, क्योंकि पूरा हिस्ट्री से लेकर, हिस्ट्री कहाँ से हुई थी वहाँ से लेकर, तो पूरा 35A का जो भी कांड है पूरा का पूरा मैंने उस वीडियो में बताया है, तो आप ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर आता है कतस राज टेम्पल के बारे में। कतस राज टेम्पल जो है न्यूज़ में चल रहा है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये लोकेटेड है पाकिस्तान में, आप यहाँ पर देख सकते हो कि लोकेटेड है पाकिस्तान में, और यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हो। अब ये जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो जो चकवाल डिस्ट्रिक्ट है पंजाब प्रोविंस में, वहाँ पर लोकेटेड है। अब ये कतस राज टेम्पल जो है ये हिंदू कम्युनिटी का मोस्ट वेल नोन प्लेस है वर्शिप के लिए। डिराइड हुआ था कतक्षा, संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है टीयरफुल आइज। अब इसके अकॉर्डिंग जो सेक्रेट पॉन्ड है यहाँ का, वो फॉर्म हुआ था जब लॉर्ड शिवा जो है, जब उनकी जो वाइफ है सती, जब उनकी डेथ हुई थी, तो उनके जो आइज थे उससे पॉन्ड भरा था।
तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस है वो ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।